से रोस्टेड आम की मीठी चटनी आप बनाएंगे तो इस तरह का बार बार खाना चाहेंगे, क्योंकि जो हम आम रोस्ट करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही स्मोकी आ जाता है, जो गुड़ के साथ मिक्स होके और मसालों के साथ यूनिक फ्लेवर देता है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं आम की मीठी चटनी नए तरीके से। हमने कच्चे आम लिए, इन्हें अच्छे से आप पील कर लीजिए, पीलर की सहायता से या चाकू से। मुझे चाकू से पील करना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि जो बहुत अच्छा पीलर था वो मेरा टूट गया है, तो मैं दूसरे पीलर हैं मुझे पसंद नहीं आते, नया खरीदना है, पर अब मार्केट जा नहीं सकते तो इसलिए मैं चाकू से ही छील कर अपना काम चलाती हूँ। आप चाहें तो पीलर से छील लीजिए। इस तरह से करते हुए हम सारे आम अपने छील कर तैयार कर लेंगे, काटेंगे उसने में। इस तरह से आप पहले कर लीजिए, इस तरह से सारे आम हम बड़ी बड़ी फाकों में करके इसे रोस्ट करेंगे। आम को इस तरह से हम फटाफट रोस्ट करेंगे और इन्हें पलट लेंगे। आप रोस्ट होता जाए तो पलट लीजिए, इस तरह से आगे पीछे करते हुए हमें इन्हें रोस्ट करना है। रोस्ट पे चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं, बहुत कम डालेंगे इसमें, सिर्फ इस तरह से पंचफोरन डाल रहे हैं और करी पत्ता डाल दे रहे हैं और मिर्च। थोड़ा सा एक क्रैकल हो रहा है, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, तेल गर्म होने के लिए मैंने तेज किया था। देखिए हमारे अच्छे से मसाले रोस्ट हो गए, तो जो ये रोस्टेड आम हमने रखा है इन्हें हम इसमें डाल देंगे, फटाफट इसके अंदर डालेंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। आपको दिख रहा है आम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, रोस्टेड आम हम डाल ले रहे हैं इस तरह से। और इन्हें रोस्टेड फ्लेवर इसका बहुत ही यूनिक होता है, या तो आपको पसंद हो तो बिना रोस्ट के भी आप बना सकते हैं, पर एक बार इस तरह से रोस्ट करके आम की मीठी चटनी या आम का मुरब्बा आप बनाइए। इसके साथ ही हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं, काला नमक और सेंधा नमक दोनों मिक्स करके मैंने डाला है। चम्मच पानी डाल दे रहे हैं और अब अपनी कढ़ाई को लो फ्लेम पे भर लेंगे। ढक के हम इसे कुक कर रहे हैं और इसे हमें फटाफट ओपन करके चला लेना है कि जो हमारे आम हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। आपको दिख रहा होगा आम के कलर चेंज हो गए हैं, धीमे धीमे आम ने अपना भी पानी छोड़ दिया है और काफ़ी गल चुका है। इसे 3 से 4 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा, अगर आपको फिर पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। लग रहा है हमारा पानी थोड़ा मैंने कम डाला था, आप 4 चम्मच तक पानी इसमें डाल दीजिए। इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर, 1/4 गरम मसाला और 1/4 ही हम सौंफ का पाउडर भी डाल दे रहे हैं, ताकि सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। अब हम फिर से अपने आम को अच्छे से चला ले रहे हैं, देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ये कुक हो रहा है। हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे, आपको दिखा दें पहले हमारा आम 80% करीब देखिए कुक हो चुका है, यानी चाकू इसके अंदर जा रही है, बहुत मैशी नहीं बनाना है तो इसलिए हम अपना गुड़ डाल दे रहे हैं। अगर आपका गुड़ थोड़ा सूखा हुआ हो तो आप 60% जब हमारा आम कुक हो तभी हम इसमें डाल दें। अब देख रहे हैं पानी भी सूख चुका है और इसे हम फटाफट अपने गुड़ को इस तरह से डाल के इसके अंदर मिला लेंगे। थोड़ी देर ढकेंगे लो फ्लेम पे तो गुड़ और एकदम गल जाएगा। दे रहे हैं थोड़ा सा, हमें उलट पलट कर इसे मिला लेना। अगर आप रेड कलर इसका चाहते हैं हो तो थोड़ी सी आप कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, पर मैं इसका यही सेम कलर पसंद करूंगी, तो मैं इसके अंदर सिर्फ सूखी 2 लाल मिर्च डाली हूँ जिससे ये बहुत तीखा हो गया है। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था और अब गुड़ इस तरह से मैं मिक्स करके थोड़ी देर 1 से 2 मिनट इसे और ढक दूंगी ताकि गुड़ अच्छे से गल जाए। बनकर तैयार हो गई, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद आप कांच के बर्तन में या स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में आप इसे रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे खट्टे मीठे आम का ये टेस्टी सी चटनी ज़रूर पसंद आई होगी या अचार। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से अपने आम का मीठा अचार बनाते हैं, यानी मुरब्बा बनाते हैं, और क्या मेरा बनाने का तरीका आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया है या नहीं। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।